सुस्वागतम छात्राः अद्य वयम् अष्टमः पाठः जयति एक बुद्धिः पठिष्यामः। कस्मिंश्चित् जलाशये दो मीनौ निवसता स्म। किसी जलाशय में दो मछलियाँ रहती थीं। एका सद्बुद्धि अपरः सहस्रबुद्धि च। एक सद्बुद्धि और दूसरी सहस्रबुद्धि। तयोः एक बुद्धिर नाम उन दोनों का एक बुद्धि नाम का मंडूका मित्रमासीत मेढक मित्र था। ते त्रयो अपि प्रतिदिनं वे तीनों भी प्रतिदिन कंचित कालम कुछ समय परस्परम वार्तालापस्य सुखम परस्पर वार्तालाप का सुख अनुभवन्ति स्म अनुभव करते थे। एक बार सूर्यास्त के समय केचन धीवराः कुछ मछुआरे जलाशयस्य तटम जलाशय के तट पर आगतवन्तः आए। तेषु एकः उनमें से एक ने अवदत् कहा अहो अस्मिन् जलाशये अरे इस जलाशय में बहवः मीनाः सन्ति बहुत सारी मछलियाँ हैं जलम स्वल्पम च और पानी थोड़ा है। अतः प्रभाते आगत्य इसलिए प्रभात काल में आकर सर्वान् नेष्यामः सबको ले चलेंगे एवं विचारयित्वा तो स्वगृहं अगच्छन् ऐसा विचार करके वे अपने घर चले गए। एवं श्रुत्वा तानि मित्राणि मिथाविचारम् अकुर्वन् एवं श्रुत्वा ऐसा सुनकर तानि मित्राणि वे सभी मित्रों ने मिथा आपस में विचारम् अकुर्वन् विचार किए तो मंडूको अवदत् मंडूक बोला भो सद्बुद्धे हे सद्बुद्धि श्रुतम धीवरोक्तम भवता धीवर ने क्या कहा आपने सुना। धीवरोक्तम धीवर प्लस उक्तम तस्य किमत्र करणीयम इसलिए इस समय क्या करना चाहिए पलायनम अथवा अवस्थानम यहाँ से भाग जाना चाहिए या रुकना चाहिए रहना चाहिए। यद उचितम जो उचित है तद अद्य एव वह आज ही कर्तव्यम करना है। एतत् श्रुत्वा सद्बुद्धि हस्य उक्तवान ऐसा सुनकर सहस्रबुद्धि भी हंस हंस करके कहा हो मित्र अरे मित्र न भेतव्यम डरो मत डरना नहीं चाहिए। अहम जले मैं जल में पलायन से भागने की बहुविध कौशलम जाना बहुत प्रकार के की कौशल जानता हूँ या जानती हूँ मछलियाँ हैं जानती हूँ। यदा धीवरा आगमिष्यन्ति जब मछुआरे आएंगे तदा अहम तो मैं तुमपि बुद्धि बलेन तुम्हें भी बुद्धि बल से रक्षयिष्यामि रक्षा करूँगी। तद आकर्ण सद्बुद्धि अकथयत उसे सुनकर सद्बुद्धि ने कहा भो साधु भो अरे साधुक्तम भवता आपने बिल्कुल सही कहा है। जन्मस्थानम विहाय जन्मस्थान छोड़कर न अन्यत्र गंतव्यम अन्यत्र न गंतव्यम दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। मंडूको वदत मेढक बोला एक बुद्धि भद्रौ भाइयो मम इन एका बुद्धि मम तु एका बुद्धि एव एक ही बुद्धि है सा इदानीं पलायनम इच्छति वह इस समय भागना चाहती है अतो अहम इसलिए मैं आज ही अद्यैव भार्या सह पत्नी के साथ अन्य जलाशयम गच्छामि दूसरे जलाशय को जाता हूँ या जा रहा हूँ। धीवराः प्रभाते आगतवन्तः धीवर भी मछुआरे भी प्रभात में आ गए। ते बत्स्यान् मछलियों को कूर्मान कछुओं को मंडूकान मेढकों को करकटादीन च और केकड़ों को जलचरान जल में रहने वालों को गृहीतवन्तः पकड़ लिया। पलायने विफलौ सद्बुद्धि भागने में विफल सद्बुद्धि सहस्रबुद्धि च और सहस्रबुद्धि धीवराणाम जाले मछुआरे के जाल में पतितौ गिरे धृतौ च और पकड़ लिए गए। किंचित कालानंतरम उस समय पश्चात धीवराः मत्स्यादीन गृहीत्वा धीवर लोग मछलियों को पकड़कर स्वगृहम अगच्छन अपने घर गए। एक बुद्धि स्वस्य भार्या सह एक बुद्धि अपनी पत्नी के साथ अपरस जलाशय से तटे दूसरे जलाशय के तट पर उपविश्य बैठकर सर्वम पश्यति सब देख रहा था।
देखता है सहसा अचानक सह मार्गे गच्छन्तम्। वह मार्ग में जाते हुए अधिक मछुआरों को देखता है। स यत पश्यति, वो जो देखता है तेन तस्य मनसि महत् दुःखं भवति, तेन उससे उसके मन में महान दुख होता है। इदानीं शतबुद्धि धीवरस्य मस्तके वर्तते, इस समय शतबुद्धि तो मछुआरे के मस्तक पर थे और सहस्रबुद्धि उसके हाथ में लंबते चे लटक रहा था। एतद् दृष्ट्वा, ऐसा कहकर देखकर एक बुद्धि मंडूक स्वप्रियां वदति, अपनी प्रिया से कहता है, प्रिये पश्य पश्य, प्रिये देखो देखो, शतबुद्धि शिरस्थोऽयम्, शतबुद्धि सिर पर स्थित है और सहस्रबुद्धि लंबते च लटक रहा है। एक बुद्धि राम, एक बुद्धि मैं भद्रे, हे कल्याणी, एक बुद्धि क्रीड़ा में विमले जले, शुद्ध जल में खेल रहा हूँ। इसके बाद शब्दार्थ पे आते हैं। शब्द संग्रह पर इसके कठिन शब्दों को अर्थ सहित याद करें, भविष्य में भी आपके काम आएंगे। अब यहाँ संधि विच्छेद दिया गया है, त्रयो अपि त्रयः अपि, विचारम अकुर्वन्, मंडूको अवदत् मंडूकः अवदत्, तदा प्लस अहम्, त्वाम प्लस अपि, शतबुद्धि अकथयत् शतबुद्धि प्लस अकथयत्, अतोहम अतः प्लस अहम्, कर्कटादीन कर्कट प्लस आदीन, एक बुद्धिरहम एक बुद्धि अहम्, कह प्लस चन कश्चन, कह प्लस चित कश्चित, किम प्लस चन किंचन, कम प्लस चित किम प्लस चित किंचित। अभ्यास पर आते हैं। मंडूकस्य नाम किम, मंडूकस्य नाम एक बुद्धि आसीत, तस्य किमत्र करणीयं पलायनम् स्थानम् वा, एतत् कः उक्तवान्, मंडूकः, मंडूकः रात्रौ एव कुत्र गतः, मंडूकः रात्रौ एव अन्य जलाशयं गतः, शतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्च कुत्र प्रतिष्ठितौ च, शतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्च धीवरस्य जाले पतितौ उद्धृतौ च, त्रिषु मित्रेषु कस्य बुद्धिः सर्वोत्तमा, एक बुद्धेः, त्रिषु मित्रेषु एक बुद्धेः बुद्धिः सर्वोत्तमा। प्रश्न नंबर दो पर आइए। मूल सत गल्लिंग विभक्ति लिखिए। रात्रौ रात्रि सप्तमी विभक्ति एक वचन, त्रयः त्रिधातु पुलिंग एक वचन, भार्यया भार्या शब्द तृतीया एक वचन, जलाशयम नपुंसकलिंग जलाशयम एक वचन, द्विवचन दोनों जो का प्रयोग होता है नपुंसकलिंग में, प्रथमा में भी द्वितीया में भी, तेषु तत्शब्द का सप्तमी बहुवचन। संधि करें, तदा प्लस अहम तदा अहम, धीवर प्लस उक्तम धीवरोक्तम, एक बुद्धि नाम एक बुद्धि प्लस नाम एक बुद्धिर नाम, सहस्रबुद्धि प्लस च सहस्रबुद्धिश्च, सु प्लस अल्पम स्वल्पम। अब संधि विच्छेद करें, परः प्लस परम परस्परम, मंडूकः प्लस अवदत मंडूको वदत, एतत् अस्माकम् एतदस्माकम्, उचितम प्लस उक्तम उचितम उक्तम, तदा प्लस अहम तदा अहम। अब वाक्यों का प्रयोग करें, ये आपको आगे दिया गया है इसी लेसन में। प्रश्न नंबर छः पे आइए। क्रियाओं को शुद्ध करें, तो मंडूका न जलाशयम गतवान गमितवान नहीं, तव दो मीनों जाले अपतताम, तव द्विवचन, मम बुद्धि पलायनम इच्छसि, एतत् अस्माकं जन्मस्थानम अस्ति, त्वम अत्र कथम बससि, बसति नहीं बससि होगा। अब आप इसको प्रश्न नंबर सात पर देखिए, का ट्रांसलेशन है, किसी जलाशय में तालाब में दो मछलियां रहती थी, तो कस्मिंश्चित जलाशये दो मीनौ वसतः स्म, उन दोनों का एक बुद्धि नाम का एक मित्र था, तयोः एक बुद्धि ही नाम एकम मित्रम आसीत,
गा जन्मस्थान को छोड़कर जन्मस्थानम त्यक्त्वा वयम अन्यत्र न गच्छेम। भय नहीं करना चाहिए। माँ बिभेत, मैं आज दूसरे तालाब में जाऊँगा। अहम अद्य अन्यत्र तन जलाशय गमिष्यामि। मेढक का नाम एक बुद्धि था, तो मंडूकस नाम एक बुद्धि आसीत। अपने बुद्धिबल से वो बच गया। स्वब बुद्धिबलेन सह जीवता आसीत। अब ये इस संस्कृत का अनुवाद यहाँ आपको दिया गया है, आपने जो बताया है वो लिखा हुआ उसको भी देख लीजिए। उसका हिंदी रूपांतरण ये नीचे दिया गया है, इसे देखिए समझिए। संस्कृत में उत्तर दिया आप जो भी बताया था वो यहाँ दिया गया है। प्रश्न नंबर दो का ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द लिंग और विभक्ति बताई गई है। प्रश्न नंबर तीन संधि करें, अभी पढ़ाया था वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। संधि विच्छेद करें, सब 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 संधि विच्छेद भी है। अब प्रश्न नंबर पाँच में देखिए, शब्दों का प्रयोग करें। एव सत्यम एव जयते, इदानीम इदानीम वर्षा ऋतु, अद्य अद्य अहम न क्रीडिष्यामि, सह रामस्य रावणेन सह युद्धम अभवत, अपि मया सह त्वमपि पठ। प्रश्न नंबर छः, निम्नलिखित वाक्यों को के क्रियाओं को शुद्ध करें। तो देखिए ये शुद्ध किया गया। मंडूक अन्य जलाशयम गतवान, तव दो मीनौ जाले अपतताम, मम बुद्धि पलायनम इच्छति, एतत् अस्माकं जन्मस्थानमस्ति, त्वम अत्र कथम वससि। और उसका ट्रांसलेशन जो भी बताया था वो यहाँ लिखा हुआ है। कस्मिन् से जलाशय दो मीनौ निवसति स्म, तयोः एक बुद्धि नाम एकं मित्रम आसीत्, जन्मस्थानम त्यक्त्वा वयम अन्यत्र न गच्छेम न भेतव्यम, अहम अद्य अन्य जलाशये गमिष्यामि। मंडूकस्य नाम एक बुद्धि आसीत, स्वबुद्धिबलेन सह जीवतः आसीत। थैंक यू।